हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक सिंह स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अधिगम का पठार यानी प्लेट्यू ऑफ द लर्निंग। लर्निंग के जो हमारे सीखने में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं उसे ही हम लर्निंग ऑफ द प्लेट्यू कहते हैं यानी अधिगम का पठार कहते हैं। कुछ कठिनाइयाँ किस प्रकार से हो सकती हैं या पठार है क्या चीज़, इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा हमने थोड़ा सा दो लाइन में डिफाइन किया है। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे पहले, फिर आपको समझाएंगे कि होता क्या है। जब समय के साथ सीखने की इकाई में ना कोई उन्नति होती है। अच्छा, समय तो बढ़ रहा है लेकिन सीखने की इकाई क्या हो रही है, ना वो बढ़ रही है और ना ही वो कम हो रही है, बिल्कुल स्थिर हो गई है, रुक गई है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ठीक है आगे पढ़ते हैं, और ना अवनति हो रही हो, ना ही उन्नति हो रही है, ना कि इंक्रीजमेंट हो रहा है, और ना अवनति ना ही उसमें कमी हो रही है, ठीक है। तब समय सीखने की इकाई में बने ग्राफ को पठार कहते हैं। यानी जब मान लीजिए हमारा समय तो यानी टाइम तो रेगुलर हमारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता ही रहता है, रुकता नहीं है, लेकिन हमारा जो अधिगम है जो हमारा ऊपर की तौर तरफ जा रहा है यानी पॉजिटिव में जा रहा था या फिर निगेटिव में जा रहा था, वो ना पॉजिटिव में जा रहा है तो ना निगेटिव में जा रहा है, तो वो होगा कहाँ? तो ऐसे तो नहीं है जैसे कि टाइम ये बढ़ा हमारा तो वो अधिक हमारा यहाँ रुक गया होगा, यहाँ रुक जाएगा तो टाइम बढ़ेगा तो हमारा निगेटिव में पहुँचेगा, क्योंकि टाइम तो हमारा बढ़ रहा है तो निगेटिव में पहुँचेगा, तो क्या हो रहा होगा, इस तरह से टाइम के साथ साथ चल रहा होगा, बिल्कुल इक्वल चल रहा होगा, ना ही उसमें वृद्धि हो रही होगी, ना ही उसमें कमी हो रही होगी, बिल्कुल स्थिर होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं, ठीक है, इस वक्र के अनुसार, ठीक है, तो आप सीख जाएंगे इस ग्राफ के अनुसार। देखिए, समय बढ़ा, ठीक है, समय तो हमारा बढ़ ही रहा है, सीखने की इकाई बढ़ी क्या हमारी? सीखने की इकाई बढ़ती तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जाता है, जैसे यहाँ जा रहा है, जैसे यहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा समय तो बढ़ा, समय इस तरह से बढ़ रहा है आगे की तरफ, ठीक है, और सीखने का पठार हमारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा, ये समान दिशा में रहा, जो समान दिशा में रहा है ना यही हमारा पठार है, यानी यहाँ से लेके इस कॉर्नर तक लेके, जो कि हमारा समय तो बढ़ रहा है लेकिन पठार वो सीखने की जो हमारी गति है वो ना वृद्धि हो रही है ना कमी हो रही है, वो स्थिर रूप से रुकी हुई है, तो यही चीज़ हमारी पठार कहलाई। क्या कहलाई? पठार कहलाई। समय बढ़ता है, ठीक है, समय के साथ साथ ना सीखने में वृद्धि होती है ना कमी होती है, वही चीज़ हमारी पठार कहलाती है, ठीक है। दोस्तों, ए के सिंह स्टडी यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा कार्य करता रहेगा और आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं हम, और साथ ही आप मैथमेटिक्स के लिए या फिर आप चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सारी वीडियोस आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, और साथ ही हम बात करें कि इंग्लिश संस्कृत वगैरह की, ये सारी वीडियोज़ भी बहुत जल्दी अपलोड होंगी। एक्चुअली क्या, हम नोट्स बनाने में इतना बिजी हैं कि नोट्स आपके लिए हम चाह रहे हैं कि कुछ भी ऐसी चीज़ ना बचे जो आपको अलग से पढ़नी पड़े, सब कुछ आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा तो अच्छे से पढ़ेंगे आप। साथ ही नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है CDP का, कि पूरा आप पूरा कोर्स आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पूरा कोर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं देना है आपको, आराम से पढ़िए, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपने एग्जाम दें, ठीक है। और CDP का ये कोर्स आपका चाहे CTET हो, UPTET हो, ठीक है, चाहे सुपर टेट हो, कोई सा भी टेट क्यों ना हो, सभी के लिए आपका उपयोगी होने वाला है, ठीक है। तो सभी में इसका सेलेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। साथ ही बात करें पठार की, हमारी कुछ डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू हम जाते हैं तो कभी हमारा क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। VF स्किनर के अनुसार पठार वह स्थिति है जिसमें उन्नति का बोध नहीं होता, उन्नति नहीं होती, हालांकि अवनति भी नहीं होती, ठीक है, उन्नति नहीं होती तो अवनति भी नहीं होती, तो यहाँ पर उन्नति को हम थोड़ा सा इग्नोर करके उन्नति और अवनति दोनों को लेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। साथ ही रैक्स व नाइट के अनुसार देखते हैं, सीखने के पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था में पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। अच्छा, दूसरी अवस्था में कैसे प्रवेश कर सकता है, इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए हमने, हमारे पास दो चीज़ें थी, ठीक है, ये और एक ये, इस चीज़ को हमने पूरा गेन कर लिया, पूरी सीख ली। अब हम जब इसे सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, इस वाली को सीखना चाह रहे हैं, मतलब मान लीजिए इसे दो नाम दे दिया, इसे वन नाम दे दिया, ठीक है, इसे सीखना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली हम इस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने सीखी हुई है और ये चीज़ अलग से डिफरेंस ही है, तो इस चीज़ को हम सीख नहीं पाएंगे। तो जब हम इसे सीख नहीं पाएंगे तो हमारा समय तो बढ़ ही रहा होगा लेकिन सीख क्या पा रहे होंगे, कुछ नहीं सीख पा रहे होंगे, जो हमारे पास सीखा हुआ फर्स्ट वाला वो तो हमारे पास रहेगा, उसमें तो कमी नहीं आएगी, ठीक है, सेकंड वाला हम सीख नहीं पा रहे होंगे तो इसलिए इसमें उन्नति भी नहीं होगी और अवनति भी नहीं होगी, इसलिए वो स्थिर रहेगा, इसलिए दूसरी अवस्था में पहुंचने पर ये तब क्रिएट होता है हमारा अधिगम का पठार यानी प्लेट्यू ऑफ द लर्निंग।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। CDP का पूरा कोर्स डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी से।